उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है कितना वॉल्यूम जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू डबल जीरो मीटर की भी हमें वॉल्यूम भी गिवन है अच्छा एवरेज एनर्जी डेंसिटी एवरेज एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यूबी से लिखते हैं उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना गिवन है जीरो सॉरी सेवनटी पॉइंट जीरो जूल पर मीटर क्यूब हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी गिवन है ठीक अच्छा अगर देखेंगे यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो किसकी वजह से होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो इसको बोल सकते हैं हमारा एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं ठीक अब यहाँ से हम देखें तो हमें क्या फाइंड आउट करना था करंट थ्रू द इंडक्टर यहां से हमने अपना डायग्राम बना लिया इस डायग्राम में क्या दिख पा रहा होगा हमारे पास एक टोराइडल इंडक्टर है कैसे बनता है टोराइडल इंडक्टर अगर देखें तो हम मान लेते हमारे पास कोई एक सोलेनॉइड था सोलेनॉइड कैसे बनता है अगर यहाँ पे सोलेनॉइड को मोड़कर आपको क्या बनाना होता है टोराइडल इंडक्टर बनाना होता है अगर हम मान लेते हमारे पास एक सॉलिड, सॉरी होलो सिलेंडर था इस तरह से हमारे पास एक हलो सिलेंडर था अगर इसके ऊपर हम तारों की वाइंडिंग कर दें तो हमें क्या मिल जाता है सोलिनॉइड अगर इस तरह से आप तार लपेट देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा सोलोनॉइड बन जाएगा अगर इसी सोलोनॉइड को आप मोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाता है Toroid मिल जाता है है अगर हम कहें इसके जो वाइंडिंग उसमें आई फ्लो कर रही है तो हमें I की वैल्यू इस क्वेश्चन में बतानी है ठीक इज द करंट थ्रू द इंडक्टर ये हमारा क्या है टोरॉइडल इंडक्टर है अच्छा जो वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है उसकी वैल्यू वी हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसका जो इंडक्टेंस है वो भी हमें एल गिवन है ठीक तो यहाँ से अगर देखें इसके पूरे वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी स्टोर ठीक अच्छा एक चीज यहाँ पे गिवन अगर हमें पता है किसी में अगर करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो पे क्या आएगी हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आएगी और वो हमें गिवन है कितना सेवनटी पॉइंट जीरो जूल तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगी ठीक अच्छा अगर हम कहें इसके जो पूरे वॉल्यूम में जो टोटल एनर्जी होगा अगर यहाँ पे देखें तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड किसमें इस हमारे इंडक्टर में उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास एवरेज एनर्जी स्टोर्ड एवरेज एनर्जी स्टोर्ड कितना हमें गिवन है यू बी ठीक तो टोटल एनर्जी इसके वॉल्यूम में स्टोर्ड होगी तो यू बी इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम ये हमारा टोटल एनर्जी स्टोर इस टोराइडल इंडक्टर के अंदर इतनी टोटल एनर्जी होगी ठीक कैसे हमने किया हमें पता था कि इसकी जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है कितना है यूबी है अगर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे वी क्या था हमारा इस टोराडल इंडक्टर का वॉल्यूम अगर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा इस इंडक्टर के अंदर टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी ठीक अच्छा अच्छा ये जो हमारे पास आया होगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है ठीक उसका फार्मूला भी हमें पता होता है अब यहाँ से अगर देखें एक और फार्मूला चूंकि इसका इंडक्टेंस हमें गिवन था तो अगर यहाँ पे देखेंगे अगर कोई सर्किट है जिसका इंडक्टेंस आपको गिवन होता है तो वहां पे जो भी टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ एल आई स्क्वायर तो एक फार्मूला हमारा टोटल एनर्जी स्टोर्ड का और होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड उसको हम देख सकते हैं ई इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास अगर हमें इंडक्टेंस गिवन है तो हाफ एल आई स्क्वायर तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर दोनों टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट कर लिया तो दोनों टोटल एनर्जी इक्वल होगी तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये टोटल टोटल एनर्जी स्टोर होगा हाफ एल आई स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर एक इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास यू बी इंटू वी के ये भी तो हमारा टोटल एनर्जी ही था अगर देखिए टोटल एनर्जी अगर ई है तो ई की वैल्यू कितनी थी यू बी इंटू वॉल्यूम यू भी क्या था हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी ठीक अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना था करंट आई की वैल्यू तो करंट आई यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा टू यू बी इंटू वॉल्यूम वी डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा l और इसका रूट ले लेंगे तो हमें करंट मिल जाएगी जो हमारे इस इंडक्टर में फ्लो कर रही होगी सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे हमें सब कुछ गिवन है टू uv की वैल्यू हमें गिवन है कितना अगर यहाँ पे देखें 70 जूल पर मीटर क्यूब तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे 70.0 जूल पर मीटर क्यूब वॉल्यूम हमें गिवन है 0.0200 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय हमें इंडक्टेंस भी गिवन है कितना अगर यहाँ पे देखें तो नाइंटी इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री हेनरी तो यहाँगा नाइनटी इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री हेनरी इसका आप अगर रूट ले लेंगे तो आपको करंट मिल जाएगी इस हमारे पास टोराडल इंडक्टर के अंदर जितनी भी करंट वायर में फ्लो कर रही होगी आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आप इसको अगर पूरा सॉल्व कर लोगे तो करंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फाइव पॉइंट फाइव यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमसे पूछा गया था कि इंडक्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव पॉइंट फाइव सेवन एमपियर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे हमें पता है अगर कहीं भी इंडक्टर पता दिया रहता है तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी और वॉल्यूम तो का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस इंडक्टर के अंदर टोटल एनर्जी मिल जाएगी एक इक्वल एक हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर के ठीक और यहाँ से आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं थैंक यू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जेगी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर